नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप सिंह। यादव मैदान में कार्यक्रम को लेकर मैं एक बार आपको मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ है वार्ड 44 के प्रत्याशी ऋषि कुमार यादव, वो समाजवादी पार्टी से उन्हें सिंबल मिला है और अब देखना ये हो कि जनता उन पर क्या विश्वास जताती है। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है ऋषि जी। समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर सबसे पिछड़ा इलाका है जिसमें जितनी जल रहा हो और इतनी समस्या है बहुत ज़्यादा, इस मुद्दे पर मैं लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ। ठीक, आप जनता के बीच में गए होंगे तो क्या किस किस प्रकार के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा जनता में? यहाँ पर इससे पहले कर रहा हूँ, बीजेपी के मेयर थे, मेयर सामने आके यहाँ पर एकदम भी नहीं पलटे कि क्या चीज़ क्या हुआ है। आप जाके देखिए, मदनपुरी है और विकास नगर है, बंदेपुरी है, हर स्कूल का वहाँ पर तुम्हारा सेंटर पड़ता है, बच्चों को होता है निकलने की इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी गाड़ी के बच्चे पैर भाग और चप्पल को हाथ में लेकर घूमते हैं, इतना बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। बात करें यहाँ कि कई वर्षों के बाद यहाँ बिजली आएगी तो वो किस पार्टी के द्वारा आएगी? समाजवादी के द्वारा आई थी, अभी तक यहाँ पर किसी भी बीजेपी वाले नेता ने कुछ भी नहीं, अभी कोई विकास नहीं करा है, अभी तक कोई क्राइटेरिया एक साल होते होने जा रहे हैं और बीजेपी ने कोई विकास नहीं कराया। ठीक है, आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं, आपको किस तरह का प्यार मिलता है? बहुत प्यार मिलता है सारी जनता है, आपने देखी है जनाब, जनता जहाँ भी जाते हैं शहरों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भाई क्या नाम है, नोटबंदी से सबसे परेशान है, चले घर में एक टाइम खाना बना, एक टाइम खाना नहीं बनना, इतने परेशानी जनता की बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आप जनता के बीच में गए, आपको लगा कि क्या क्या कमियाँ हैं? यहाँ पर सबसे मेन कमी जितने भी यहाँ पर सबसे सब कच्ची है, पानी भरा पड़ा है और क्या नाम है तुम्हारा, इधर बहुत बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज्यादा परेशान। जनता से मैं कहना चाहूंगा कि आप सुबह सबसे पहले निकल के खाना बाद में बनाना, सबसे पहले मतदान करना, दूसरा समाजवादी को वोट देना, समाजवादी के जो विकास करा है उसको वोट देने, आप जो अखिलेश भैया ने सारी समाजवादी पेंशन बीजेपी ने संबंध कर दी, 60 साल बंद कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव, मोहन सिंह यादव। और एक आपके साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। क्या उनका पूरा नाम पता है? जी, दामोदर नरेंद्र मोदी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी। हम जानेंगे जनता के बीच, हम जनता के बीच करने जा रहे हैं कि क्या क्या समस्या क्षेत्र के अंदर है। आपका नाम? जी, मोहन यादव। मनु, आप यही रहते हैं? क्या समस्या क्षेत्र के अंदर? की समस्या यहाँ पर, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं और यहाँ के लोग, हम लोग सब लोग इकट्ठे हो, कई बार मेयर साहब के पास भी गए और यहाँ अकबर जाते हैं सफर निशान शर्मा, उनके पास भी गए और आज तक कोई समस्या समाधान नहीं हो पाया और सड़क पर हमेशा पानी भरा रहता है और लोगों को निकलनी पड़ता है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और महिलाएं भी हेल्प करती हैं, रात में परेशानी होती है, लोग वहाँ कैसे चुनना चाहेंगे आप? हम समाजवादी पार्टी चुनना चाहेंगे। समस्या साहब ये है कि हमारे सबसे बढ़िया मेयर जो है कायदे हैं, विनोद अग्रवाल, हमेशा उन्हीं को हम वोट देते थे। जब जब हमने वोट दिया उनके पास हम कोई समस्या लेकर पहुंचे हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, जबकि हम बीजेपी के कट्टरपंथी आदमी, आज हमने बीजेपी की छोड़ी इसीलिए छोड़ी क्योंकि वो हमारे को नहीं सुनते, जब नहीं सुनते तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ नल गली है, कच्ची पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सब बच्चे पानी मिल करके जाते हैं, स्कूल जाते हैं। मतलब आप ये जो पैसा यहाँ पर आए हुए हैं, किसी का रुझान बहुत बढ़िया प्रत्याशी है और हमें भरोसा जताते हैं, हमारे कुल में हम बदलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे टेंडर तो होते हैं मगर पैसा दो जिम जाता है, सिर्फ करियर टेंडर कागजों पास होती है, इसके अलावा कोई भी विकास नहीं करते। ये रियल बात है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 44, यहाँ में जनता की समस्या अधिक से अधिक समस्या यहाँ पर अधिक नहीं होगा कि 29 नवंबर को समाजवादी पार्टी पर क्या विश्वास जताती है जनता। अपने सहयोगी हिमांशु शुक्ला के साथ कुलदीप सिंह, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।